मेरे पीछे जिस कोठी का ये ताला बंद है, ये कोठी अंकित दास की है। ये वही अंकित दास जिसकी तिकुनिया हिंसा के मामले में अब लखीमपुर पुलिस को बहुत तेजी से तलाश है, या यूं कहा जाए कि अंकित दास अब लखीमपुर पुलिस के रडार पर है। यूं तो अंकित दास लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन बीते कई सालों से वो लखीमपुर में सक्रिय हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेहद करीबी, उनके तमाम कहा जाए कि संसदीय जो निधि से जो काम होने वाले होते हैं, विकास कार्य हैं, उसमें उनका बहुत काम अंकित दास के द्वारा ही किया जाता है। ये अंकित दास की ये कोठी है, ये आवास विकास कॉलोनी में बनाई गई है लखीमपुर में। आप देखिए कितनी भव्यता है इस कोठी की। हालांकि इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो अपने आप में तमाम कई उद्योग हैं, जो बीबीडी ग्रुप है, बाबू बनारसी दास ग्रुप है, उससे इनका पारिवारिक रिश्ते हैं। अखिलेश दास के भतीजे बताए जाते हैं। ये आलिशान कोठी, सड़क पर जनरेटर, लेकिन अब घर में रहने वाला कोई नहीं। जो यहाँ के लोग हैं, कैमरे पर तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो इतना जरूर कह रहे हैं कि दो दिन पहले तक इस बंगले की देखरेख करने वाला एक लड़का भी रहता था, लेकिन जैसे जैसे तेजी से लखीमपुर कांड पर खबरें आने लगी, उसके बाद से वो लड़का भी फरार है और अब अंकित दास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अंकित दास उस फॉर्च्यूनर में सवार बताए जा रहे हैं जो थार के पीछे चल रही थी, जिस थार ने चार किसानों को रौंदकर मौत के घाट उतारा था। अंकित दास के साथ रहने वाले एक शख्स ने पुलिस को जो बयान दिया था कि भैया साथ में थे, इस बात की तस्दीक आशीष मिश्रा ने भी लखीमपुर पुलिस से पूछताछ के दौरान की कि वो उस दिन कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे, दंगल के कार्यक्रम में वो आमंत्रित थे। अंकित दास पहुंचे थे अपनी गाड़ियों से अपने लोगों के साथ और वो वीवीआईपी जो आने वाले थे उनके स्वागत के लिए वो अपनी गाड़ियों से गए थे। लेकिन उस घटना के बाद से अंकित दास के बारे में आशीष मिश्रा ने कोई जानकारी नहीं दे पाए। आशीष मिश्रा का कहना था कि वो उनके संपर्क में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर क्राइम ब्रांच ने अंकित दास के उस ड्राइवर को भी पूछताछ में लिया है, जानकारी ली है, उसके हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई है, तो पता चला है कि उस ड्राइवर ने कहा है कि अंकित दास घटना के बाद वो उनको नेपाल बॉर्डर तक छोड़कर आया है। अंदेशा है कि अंकित दास नेपाल भाग गए हैं। फिलहाल आशीष मिश्र तो जेल चले गए, लेकिन अब इस पूरी लखीमपुर हिंसा मामले में लखीमपुर पुलिस को जिस दूसरे बड़े किरदार की तलाश होगी वो अंकित दास ही होंगे, क्योंकि ये अकेले व्यक्ति हैं जो इस पूरी घटनास्थल पर मौजूद थे और जिनकी मौजूदगी के तमाम अहम साक्ष्य और गवाह पुलिस के पास मौजूद है। गोमती का किनारा या सरयू का तट, इमामबाड़े की सीढ़ी या ताज की चौखट, बनारस की सुबह अवध की शाम, संगम किनारे जहां जुटते खासो आम, चाय की चुस्की में यहाँ सरकारें हैं बन जानी, भैया ये यूपी है, यहाँ सबई है ज्ञानी, तो खबर चियो कौन हो जानकारी अब ना पाएगी अटक, देखो भैया यूपी तक।